राजधानी शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में तीसरी बार डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा को एमएस के पद पर तैनात किया गया है। इसके लिए उन्होंने विभाग का आभार जताया है। मीडिया से बातचीत करते हुए जहां उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं बताई तो वहीं कहा कि अस्पताल में सभी विभाग सुचारू रूप से चल रहे हैं और कोई भी कमी पेशी होगी तो उसे भी जल्द दूर कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में जल्द ही ऑनलाइन पर्ची सिस्टम शुरू हो जाएगा, जिससे मरीजों को 24 घंटे ऑनलाइन पर्ची बनवाने और चिकित्सकों की उपलब्धता की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध होगी। के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और प्राथमिकता के लिए जो संतुलित और सुव्यवस्थित जो हम कल्पना करते हैं समाज की, ये तभी संभव है अगर स्वस्थ समाज होगा। इसके लिए जो भी समय समय पे चीज़ें रहेंगी वो अपनी टीम के साथ बैठ के हम सुनिश्चित करेंगे। और जो दूर दराज के क्षेत्रों से लोग आते हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट से लोग इस अस्पताल में आते हैं जोनल हॉस्पिटल होने की वजह से, तो उनको सारी सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। अभी हाल ही में हमने मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी, जैसे कॉल ब्लैडर वगैरह के ऑपरेशन, पहले हमारे पास वो मशीनें नहीं थी, अब वो सारी मशीनें आ गई हैं और उन मशीनों के माध्यम से अब छोटे से चीरे से बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। जैसे ऑर्थो के ऑपरेशंस हैं, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, स्पाइन, सारी चीज़ें अब निश्चित रूप से शुरू हो चुकी हैं। और ENT का भी मिनिमम इन्वेजिव शुरू है, आई के ऑपरेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, गायनी में भी मिनिमम इन्वेजिव जितने भी प्रोसीजर है वो शुरू कर दिए गए हैं। आने वाले समय में जो प्राथमिकता रहेगी वो एक CCU यूनिट और दूसरा DIPH जो क्रिटिकल लैब है, डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड लैब है, उसको इस्टेब्लिश करने की रही। लोग अब पर्चियाँ अपने घरों से भी बना सकते हैं, ऑनलाइन ये सुविधा बहुत जल्दी उपलब्ध हो चुकी है। शायद मैं आज कंफर्म करके आपको बता दूंगा, अपडेट करवा दूंगा। घर बैठे आप वेबसाइट से अपनी पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद अपना प्रिंटआउट लाइन में खड़े होने की आवश्यकता नहीं रहेगी, ऐसा प्रावधान किया गया।